सीतापुर में चुनाव से पहले भाजपा की सेंधमारी। सपा नेता और उद्योगपति आशीष गुप्ता अपनी पत्नी और अन्य कार्यकर्ताओं संग भाजपा में आए। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी मेनका गांधी। सुल्तानपुर में मीडिया से बोले, अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। लखनऊ व्यापार मंडल का मेयर चुनाव को भाजपा का समर्थन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद बनी सहमति। मुजफ्फरनगर में गठबंधन नेताओं की चेतावनी। विधायकों ने सरकार की मंशा पर खड़ा किया सवाल। साजिश हुई तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। माठग संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड। लखनऊ, वाराणसी और काशीपुर में कई अहम दस्तावेज खंगाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रचार की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज संत कबीर नगर समेत यूपी के 4 जनपदों में जनसभाएं हैं। खलीलाबाद, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा बलिया में सीएम की जनसभाएं हैं। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। रूट डायवर्जन किया गया, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की आज औरैया समेत यूपी के 4 जनपदों में जनसभाएं हैं। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में जनसभाएं हैं। वहीं डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, साथ ही इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सुल्तानपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मई को शहर के विवेक नगर स्थित सर्कस ग्राउंड में हुंकार भरेंगे। इस दौरान वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण कुमार अग्रवाल एवं सभासदों सहित जिले की 4 नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 1:50 पर पुलिस लाइन सुल्तानपुर में लैंड करेंगे। 45 मिनट कार्यक्रम में रहने के बाद मुख्यमंत्री 2:50 पर वो GIC ग्राउंड अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ेंगे। आशुतोष, देखिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह जो है कार्यक्रम को लेकर जो है तेजी चल रहा है, तब चुनाव का मद्देनजर को लेकर तमाम तरह की पार्टियां जो है अपनी कमर कस ली है। वहीं बड़े से बड़े मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या फिर विधायक हो, कोई ना कोई अपना बड़ा कार्यक्रम करने पर सड़क पर उतर आया है। उसी के मद्देनजर को देखते हुए भाजपा द्वारा जो है एक बड़ा विशाल कार्यक्रम जो हर जगह चल रहा है, वो कल जो है पहला कार्यक्रम इनका जो है बस्ती से स्टार्ट होते हुए सुल्तानपुर आएगा। तो सुल्तानपुर में जो है सबसे पहले कार्यक्रम इनका जो है लगभग 1:00 पर जो है इनका कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रशासन द्वारा कई तरह की व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उसी को देखते हुए जो है मीडिया कर्मी को भी जो है एक संदेश दे दिया गया है, आप लोग सुरक्षा के साथ जो है अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आइएगा, वहाँ पे कोई ना कोई चेकिन के साथ आपको जो है ID प्रूफ चेक करके तभी आपको एंट्री लेकर वहाँ पे जो है आप कोई कवरेज कर सकते हैं। इस दौरान जो है प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे कवर कर ली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। उत्तर नगरीय निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश की। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यूपी में 2 चरणों में मतगणना होगा। आपको पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 4 मई को होगा। इसको लेकर मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए गए। चुनाव के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर नजर रखने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन 4 मई और 11 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
दो दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आ रहे हैं, जिसके लिए वो आज शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहीं शाम 4:30 पर केजी मार्ग दिलकुशा आवास पहुंचेंगे। वहीं 4 मई को स्कॉलर्स होम गोमती नगर में मतदान करेंगे। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की है। स्वामी प्रसाद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर जनवरी में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को अब नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा। स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। लखनऊ के हसरतगंज पुलिस ने FIR दर्ज की। हालांकि पुलिस ने अभी तक स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी के नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम चुका है। कल 4 मई को पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रथम चरण में लखनऊ नगर निगम की सीट भी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस जगह जगह लोगों को आचार संहिता और धारा 144 कड़ाई से पालन करने की हिदायत दे रही है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को हिदायत और चेतावनी दे रही है। लिहाजा पुलिस पहले चरण के चुनाव को लेकर कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए मुस्तैद है। वहीं चुनाव में अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। बता दें कि अंबेडकर नगर में 4 नगर पंचायत हैं, 3 नगर पालिका है। वहीं 11 मई को अंबेडकर नगर में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर टिकट में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने हाजी अनिस को भरोसा दिया था कि टिकट मेरी जेब में है, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर काफी गुस्सा है। वहीं स्थानीय लोगों ने समाजवादी पार्टी को खूब भला बुरा कहा है। यहां तक कि उन्होंने सपा का बायकॉट करने की भी चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों ने कहा, अगर हाजी अनीस ने भी हमारा साथ नहीं दिया तो हम आज हाजी अनीस को भी बायकॉट कर देंगे। चुके हैं बहुत बार इस बारे में बोल चुके हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पब्लिक को जिस तरह समर्थन मिल रहा है सरायतीन के अंदर या शहर के अंदर। पहली बात तो मैंने, बहुत लोग ये जाति वाति की सब बिरादरी की बात करते हैं, भाई ये सब बद्दू मैं दिमाग में लेकर नहीं घूमता हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि आप जाके पूरी सरायती और पूरे शहर में जाके चेक कर लीजिए कि सारी कम्युनिटी के अंदर मुसलमानों में अगर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, मैं इतना जानता हूँ। जनता देखिए, होता क्या है कि इससे पहले जितने लोग आए उनकी गलतियों की वजह से आने वालों पर एकदम से यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तो यकीन किसी पर करना पड़ता है, ज़िंदगी चलनी जीनी है तो। और इंशाल्लाह हमारा जो प्रैक्टिकल, कि उन्होंने आज ये अहम फैसला लिया है, उन्होंने यासीन साहब को समर्थन देने के लिए बर्क साहब को और हमारे हाथों मजबूत करने का जो काम किया है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अंसारी साहिबान ने जैसे आज खुले मन से समर्थन दिया है, आने वाले वक्त में कलकों में इंशाल्लाह कभी उनके ऊपर कोई अगर परेशानी आएगी तो बर्क और बर्क साहब का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा। तो आपको कैसा पता पड़ा? भाई जिस तरह से वीडियो से एक एक नौजवान को, एक एक बच्चे को, एक आम आदमी को, हर किसी को उस वीडियो मिली, तो हमें वीडियो के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी। चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है और 4 मई को मतदान होगा। इसी को लेकर डलमऊ नगर पंचायत अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी पंडित ब्रजेश कौर ने अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही विशाल रैली निकालकर प्रचार गति को प्रदान करते हुए नगर के विकास तथा नगर पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त और स्वच्छ नगर पंचायत बनाने के लिए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।